जी अस्सलाम वालेकुम कैफ सेवन, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है जी हमारा लेक्चर 8, और आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं हमारे एक कंपनी को जो रेगुलेट करती हैं, जो कंपनी को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज कौन सी हैं, और मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन इनके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में शायद हल्का सा मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया था कि जो अथॉरिटीज हैं ये दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल अथॉरिटीज का नाम भी बताया था आपको, हम क्या रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट। और इंटरनल अथॉरिटी में कौन शामिल होता है, मेंबर्स और डायरेक्टर्स। हाँ, डायरेक्टर्स आगे फर्दर कुछ और ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे सीईओ, जैसे सीएफओ, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार, चेयरमैन ऑफ बोर्ड वगैरह, इस तरह के लोगों को। लेकिन मेन जो अथॉरिटीज हैं विद इन द कंपनी वो दो हैं, एक डायरेक्टर्स और एक मेंबर्स। आज के लेक्चर में हम इन अथॉरिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, और यूं समझ लीजिए आज के लेक्चर में आपको पूरे कंपनी लॉ का ओवरव्यू मिलेगा, ट्रेलर मिलेगा कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से कंसेप्ट हमारे लॉ में शामिल है। यानी आज का कंसेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको आइंदा आने वाले जो कंसेप्ट है, तकरीबन मोर देन 70% कंसेप्ट, वो सारे पता चल जाएंगे कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। याद रखिए, इसमें जो भी कंसेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा कोशिश करूंगा समझ आ जाए, लेकिन किसी वजह से अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ सका तो आपने उसको सिर्फ रीड कर, ये आज का लेक्चर ना आपके समझने के लिए है, पावर्स वाला। इसमें याद करने वाला कंसेप्ट बहुत कम है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है, एक मेंबर की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, वरना बाकी ये सारा कंसेप्ट समझने वाला है जो आज हम स्टडी करेंगे। और चूंकि कंसेप्ट को डिस्कस करते करते बाज का ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट तो हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, तो मे बी ये आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो, लेकिन याद रखें ये इंतहाई अहम है। और अगर ये वाला लेक्चर, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब कंपनी ला की सारी ऊंच नीच आपको समझ आ गई। ठीक है, एक दफा पूरा ट्रेलर नजर से गुजर जाए ना तो आपको पता चल जाता है, जैसे ट्रेलर मूवी अच्छी है कि फारे है। बाद का जजमेंट सही अप्लाई नहीं भी होती, लेकिन फिर भी यहां पे चूंकि हमने पूरे सिलेबस का कंसेप्ट निकाल के इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में रख दिए हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे सिलेबस में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ होल सी लॉ ये आपके सामने, स्टार्ट करें जी। अच्छा, हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल पार्टी से। ठीक है, एक्सटर्नल में कौन कौन से लोग शामिल थे, रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट। हमारा सबसे ज्यादा वास्ता, अगर आप कंपनी बनाते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं ना, आपका सबसे ज्यादा वास्ता पड़ा करेगा रजिस्ट्रार से। हालांकि रजिस्ट्रार और कमीशन या एससीसीपी, रजिस्ट्रार असल में एससीसीपी का ही सबॉर्डिनेट है, लेकिन रूटीन नेचर के काम होते हैं ना जो, वो हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। जो थोड़ा सेंसिटिव इंपॉर्टेंट नेचर का काम होता है, ज्यादा अहम होता है, उसके लिए फिर किसके पास जाना पड़ता है, एससीसीपी के पास। और इसी तरह जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, इनका रजिस्ट्रार के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनीज हो तो फिर कमीशन के साथ। तो यूं समझ लीजिए रजिस्ट्रार और कमीशन ये एक ही अथॉरिटी है एक तरह से कंसेप्चुअली, लेकिन रजिस्ट्रार की लोअर अथॉरिटी है, कमीशन की हायर। अगर रूटीन नेचर का मैटर हो या प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी हो तो ज्यादातर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन अगर मैटर अहम नेचर का हो, लिस्टेड हो, तो फिर ज्यादातर कमीशन के पास जाते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों के नेचर ऑफ मैटर समझने में हेल्प करेगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रार। अच्छा, एससीसीपी जो है इसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। एससीसीपी का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। अब जाहिर है पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी कंपनी रजिस्टर करवानी है वो इस्लामाबाद में थोड़ी जाएगा, तो एससीसीपी ने सहूलत के लिए अपने कुछ ऑफिसेज बनाए हुए हैं डिफरेंट रीजन में। जैसे एससीसीपी ने हिसाब किताब लगाया, ज्यादातर कंपनीज कहाँ बनती है, इंडस्ट्रियल इलाके कौन कौन से हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान, तो उसने सेलेक्ट करके उन रीजन के करीब अपने सब ऑफिस बनाए हुए हैं और वहां पे एक एक रजिस्ट्रार को बिठा दिया। ठीक है, टोटल शायद 8 के करीब रीजन है पूरे पाकिस्तान में, ताकि इसका मकसद क्या, 8 ऑफिस बनाने का और हर ऑफिस में एक रजिस्ट्रार को बिठाने का मकसद क्या है, ताकि अगर लोगों ने कंपनी रजिस्टर करवानी है ना तो उनके करीब तरीन इलाके में रजिस्ट्रेशन
हो सके। तो यहां खुद कमीशन एसईसीबी बैठा है इस्लामाबाद में, लेकिन रजिस्ट्रार उसके कंट्रीज में डिफरेंट ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो वहां पे जो हर ऑफिस में रजिस्ट्रार मौजूद है ना, जो जो पर्सन रजिस्टर कर रहा है कंपनी, उसको कहते हैं रजिस्ट्रार। कह रहे रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार भी हो सकता है, और आगे आपको पता है ऑफिशियली सरकारी ओहदे जो होते हैं उनमें होता है एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह। कह रहे हैं रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार छुट्टी पे है तो एडिशनल रजिस्ट्रार, ठीक है वो भी छुट्टी पे है तो एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, या ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अहम चीज यही है कि रजिस्ट्रार का मतलब है कौन बंदा सच ऑफ एज मे बी डेजिग्नेशन स्पेसिफिक परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट। असल चीज ये है कि रजिस्ट्रार नाम को छोड़े, डेजिग्नेशन को छोड़े, रजिस्ट्रार का मतलब वो बंदा जो कि रजिस्ट्रार की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। और रजिस्ट्रार की ड्यूटीज क्या है वो आगे बता रहा है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ, ये सबसे अहम कंसेप्ट है, सबसे अहम। और मैं खुद भी इस कंसेप्ट को ना स्लो आहिस्ता समझाऊंगा ताकि आपको इसकी बेस लॉ की अच्छी डेवलप हो जाए। पावर्स एंड कहता है रजिस्ट्रार के काम क्या होते हैं। अच्छा ये आपने ध्यान में रखना है, कंपनी लॉ में फेल होने की बहुत सी रीजंस हैं, कुछ जनरल रीजन होती हैं जो हर सब्जेक्ट में फेल होने की रीजन होते हैं, लेकिन कुछ रीजन होती हैं स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की। तो कंपनी लॉ स्पेसिफिकली लॉ में फेल होने की रीजन में से एक, अब मैं वक्तन फक्तन बताता जाऊंगा, एक रीजन ये है कि स्टूडेंट्स अथॉरिटीज को मिक्स कर देते हैं। कोई काम करना होता है रजिस्ट्रार ने, वो भेज देते हैं कमीशन के पास, और कोई काम करना होता है कमीशन ने वो भेज देते हैं कोर्ट के पास। ठीक है, तो आपने ये मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी। पहला बड़ा ब्लंडर जो कंपनी लॉ में स्टूडेंट्स को फेल करवाता है वो क्या है, मिक्स कर देना, आपने अथॉरिटीज को मिक्स नहीं करना। ये सारे कंसेप्ट जो यहां पे आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट फ्यूचर चैप्टर्स में आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे क्रॉस मैच हो जाएगा, वहां पे भी यही लिखा होगा। यहां पे आप इसको रजिस्ट्रार के अंडर पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे भी यही लिखा होगा कि इस काम करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है। सबसे पहले रजिस्ट्रार हैज वेरियस पावर एंड ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल टू रजिस्टर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनरशिप आप बनाना चाहते हैं ना, तो एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको पार्टनर्स को, वो एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट की बेस पर पार्टनरशिप क्रिएट होगी। उसी तरह अगर कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको एक नहीं दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना होती है, वो दो डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, रजिस्ट्रार उनको अपने पास साइन करके स्टैंप करके रजिस्टर कर लेगा, समझ ले आपकी कंपनी बन गई। तो दो डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो उन लोगों की तरफ से जो कंपनी बनाना चाहते हैं, जो कंपनी बनाना चाहते हैं ना, उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स। उन्हें क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। कौन लोग हैं? बनाना चाहते हैं प्रमोटर्स, बैठे हुए हैं, सहरी कर ली, इफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ्तारी से पहले काफी टाइम है, क्यों ना ऐसा करें एक कंपनी बना लेते हैं। जैसे ही एक आइडिया आया कंपनी बनाने का, इनको हम क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को जैसे उन्होंने कहा कंपनी कैसे बनाए, वकील को फोन किया, वकील ने कहा ऐसा करो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लो। उन्होंने कहा वो तो हमें नहीं पता क्या होता। उन्होंने कहा एसोसिएशन वेबसाइट पर जाओ, दोनों डाउनलोड कर लो फॉर्मेट। फॉर्मेट डाउनलोड किए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, दो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल, इन दोनों में फर्क क्या? फर्क अभी नहीं बता रहा, फर्क है दोनों में। डाउनलोड किया, फिल किया, सारे प्रमोटर्स ने अपने साइन, एक प्रमोटर कहने लगा नहीं मैं अब कोई और काम करूंगा, मैं नहीं। टोटल 8 प्रमोटर्स थे, एक ने कहा मैंने साइन नहीं करने, मैं मुझे काम याद आ गया मैं घर जा रहा हूं। प्रमोटर्स थे 8, अब साइन कितनों ने किया? जिन लोगों ने साइन किया उन्हें लॉ में कहते हैं सब्सक्राइबर्स। क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स। तो 7 सब्सक्राइबर्स हैं, गैस कीजिए वो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं आर्टिकल्स पे के दोनों पे? दोनों पे साइन किए और ले गए रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार को ये देंगे दो डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रार इनको देगा एक डॉक्यूमेंट। इन्होंने रजिस्ट्रार को दो डॉक्यूमेंट्स कौन सी दी? अच्छा सॉरी, एक सवाल और पहले पूछना भूल गया, ये कौन से वाले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे? किसी के भी पास के, अपने करीब तरीन वाले के, अपने करीब तरीन वाले के पास। उधर के दो डॉक्यूमेंट्स दिए, रजिस्ट्रार ने कहा ठीक है, चेक किया, सारे खाने फिल किए हैं, फीस जमा करवाई है, जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, रजिस्ट्रार उनको अपने पास रख लेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उस सर्टिफिकेट
पे लिखा होगा कि ये कंपनी इस नाम की आज रजिस्टर हो गई है। इस सर्टिफिकेट को कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है आप भी तो प्रमोटर्स में थे। क्या नाम रखा था आपने कंपनी का? कोई नाम बता दे। ए एंड को। बिल्कुल गलत। लगाओ इसको एक हल्का सा। लिमिटेड किधर है? अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे चल रहे हो। असलम लिमिटेड, इनकी कंपनी का नाम क्या था? ये नाम याद रखिएगा, नाम मैंने कंसेप्ट आगे एक दोबारा लिंक करवाना है। तो ये समझ आ गया आपको पहला पॉइंट कि रजिस्ट्रार का काम क्या है? टू रजिस्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ इशू। यानी ये इसको मिलेंगे और अपने पास रजिस्टर करके रख लेगा, और इशू क्या करेगा, बदले में क्या देगा प्रमोटर? सर्टिफिकेट उनका। अच्छा ये चीज याद रखें, जब आइडिया आया कंपनी बनाने का और भागदौड़ की, उन्हें क्या कहा? प्रमोटर। जब मेमोरेंडम आर्टिकल पे साइन कर लिया, उन्हीं प्रमोटर्स को अब हमें सब्सक्राइबर, अब प्रमोटर नहीं करना, अब सब्सक्राइबर करना है। और जब कंपनी रजिस्टर हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, तो उन्हीं को हमने मेंबर्स कहना है, उन्हीं को हमने मेंबर्स कहना है, शेयर होल्डर भी कह सकते हैं फिलहाल। तो ये बेसिकली लोग वही हैं, नाम बदल रहे हैं टाइम के लिहाज से, ठीक है, टाइम के लिहाज से। क्लियर? अभी भाईजान को मैं कह रहा हूं, क्या नाम है भाई का? बुरहान भाई। और 10 साल बाद मुझे मिलेंगे, मैं कहूंगा बुरहान भाई क्या हाल है? ये बुरहान भाई कहेंगे सर बुरहान ना कहे, बुरहान ACA कहे। है वही बुरहान भाई, नाम चेंज हो गया कि टाइम के लिहाज से। है वही प्रमोटर्स, पहले प्रमोटर बाद में सब्सक्राइबर फिर मेंबर। क्लियर हो गया? और जब कंपनी की वाइंडिंग अप होने लगती है ना, इन्हीं को कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। जब कंपनी की वाइंडिंग अप, क्योंकि अब उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, लोग वही है, लोग वही है, नाम बदल रहा है। हाँ जी। तो जिस वक्त अभी चले थोड़े है, चले कोई बात नहीं, रमजान है उसकी मुनासिबत से बात कर लेते हैं। बुरहान भाई ये कोई और भाई हैं, जब स्टूडेंट थे उन्हें सारे कहते थे असलम भाई, असलम भाई। जब CA कर लिया, असलम ACA, असलम ACA। उसके 10 साल के बाद, 15 साल के बाद असलम FCA। और फिर जब मारे गए तो फिर डेड बॉडी, फिर कोई असलम ACA, फिर क्या असलम तो वही नाम से। तो ये जहन में रखिएगा कि प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर, कंट्रीब्यूटरी, ये नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। टू अप्रूव नेम ऑफ कंपनी एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, नेम ऑफ, नाम अप्रूव करना, नाम अप्रूव करना, ठीक है। नेचुरल पर्सन कोई पैदा होता है अगर उसका नाम रखा जाता है, क्या किसी से, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट के अथॉरिटी से अप्रूवल ली जाती है? कोई अप्रूवल नहीं ली जाती है। अच्छा, और क्या एक ही नाम के एक से ज्यादा नेचुरल पर्सन हो सकते हैं? बिल्कुल होते भी हैं। लेकिन याद रखिए, जब कोई नई कंपनी क्रिएट होती है ना, तो उसके लिए अथॉरिटी की अप्रूवल लेना जरूरी होता है, रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेना जरूरी होता है, और कुछ खास केसेस में, कुछ खास केसेस में कमीशन की अप्रूवल लेना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो इस रीजन क्या है, ऐसी अप्रूवल क्यों लेनी पड़ती है? अप्रूवल इसलिए लेनी पड़ती है ताकि एक ही नाम की दो कंपनीज ना हो। आपको एक ही नाम के बहुत से नेचुरल पर्सन तो मिल जाएंगे, लेकिन एक ही नाम की कंपनीज नहीं मिलेंगी, एक ही नाम की कंपनी। इसलिए कि स्टार्ट में ही रजिस्ट्रार ये इंश्योर करता है कि सिमिलर नेम के साथ कोई दूसरी कंपनी रजिस्टर ना हो। इसीलिए बेहतर ये होता है, बजाय ये कि आप सारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स फिल करके साइन करके रजिस्ट्रार के पास जाएं और वो कहे इस नाम की कंपनी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। बेहतर क्या है कि आप पहले उससे पूछ लें, पहले नाम रिजर्व करवा लें कि सर हम ये नाम रिजर्व करवाना चाहते हैं, आप बताइए अवेलेबल है। जैसे आपको पता है हॉटमेल अकाउंट का ईमेल बनाया आपने, सेम ईमेल एड्रेस के साथ दोबारा ईमेल रजिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां पे जब नाम इसी तरह चेक किया जाता है, रजिस्ट्रार के पास भी सॉफ्टवेयर है, वो नाम चेक कर लेता है और बता देता है कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नाम अवेलेबल हो तो रजिस्ट्रार कहता है तेरे को 60 दिन दिए। कितने दिन दिए? 60 दिन दिए। 60 दिन के अंदर अंदर आके मेमोरेंडम आर्टिकल रजिस्टर करवा दो। नाम रिजर्व कर दिया है, ये नाम 60 दिन के लिए रिजर्व हो गया, 60 दिन के अंदर अंदर आके तुम इसको इसको रजिस्टर करवा लो, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा ये नाम। तो नाम अप्रूव करना या रिजर्व करना, ये भी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए कोई गलत नाम रजिस्टर हो गया, तो उसको चेंज भी करना। जैसे एक केस स्टडी में उसने कहा कि कंपनी ने नाम रजिस्टर करवाना था डेयरी फार्म्स,
वो हो गया डायरी फार्म्स। तो अगर डायरी फार्म्स हो गया तो हम क्या कंपनी इसी नाम से चलती रहे के चेंज करवा दे? तो इसे हमें अहम कंसेप्ट ये पता चला कि नाम को चेंज भी करवाया जा सकता है। नाम एक दफा रजिस्टर हो जाए कंपनी का, बाद में चेंज भी करवाया जाए। देखिए दूसरी पावर क्लियर हुई, दोनों पावर्स क्लियर। आगे चलते हैं, टू अप्रूव अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये मेमोरेंडम और आर्टिकल ऊपर रजिस्टर करवाए थे, इसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरेंडम में भी और आर्टिकल्स में भी। मेमोरेंडम में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, आर्टिकल्स में एडवांस या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफा रजिस्टर करवा लिया जाए, बाद में उसमें अल्टरेशन चेंज करवानी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा मैंने बताया नहीं, लेकिन गेस करें चेंज करवाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? शाबाश भाई, जिसके पास रजिस्टर करवाया है चेंज भी तो वही करेगा, चेंज भी तो वही करेगा। तो ये तीसरी पावर भी क्लियर हो गई। इससे हमें एक अहम कंसेप्ट ये पता चला कि एक दफा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करवा लें तो बाद में चेंज भी करवाया जा सकता। फिर टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा ये नेचुरल पर्सन के केस में एक बोला जाता है लफ्ज, बी फॉर्म बोला जाता है शायद, बर्थ सर्टिफिकेट बोला, हाँ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है? ये किस बात का सबूत है? हाँ कि कोई इंसान पैदा हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, एक बर्थ सर्टिफिकेट एक और भी होता है, वो 18 साल की उम्र में बनता है, आईडी कार्ड। शाबाश, ये आईडी कार्ड क्या होता है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बात का सबूत कि कोई पाकिस्तान का सिटीजन है। आप आईडी कार्ड बनने से पहले कुछ पाबंदियां होती हैं, माइनर होते हैं तो आपके ऊपर कुछ पाबंदियां, कुछ काम कर सकते हैं कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अगर कैफ और बिजनेस लॉ पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 18 साल के बाद फिर कर सकते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और अगर करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, ठीक है। माइनर, शाबाश। तो ये दोनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट एग्री करते हैं, एक है बर्थ सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड। नेचुरल डेथ डेथ सर्टिफिकेट भी होता है, बिल्कुल वो भी आएगा, लेकिन हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 12 बाइंडिंग ऑफ अभी। तो ये जो नेचुरल पर्सन के केस में दो डक, उसी तरह एक आर्टिफिशियल पर्सन जब क्रिएट हो, यानी जब कंपनी क्रिएट होती है उसका भी एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। उसे क्या? शाबाश, उसे क्या कहते हैं? इनकार, जिस बात का सबूत होता है कि कंपनी इस दिन क्रिएट हो गई है। लेकिन इसके कुछ अरसे के बाद एक और डॉक्यूमेंट भी बनता है, शाबाश, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये हासिल करने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं, वो कुछ काम तो कर सकती है कुछ काम नहीं कर, जैसे माइनर है, समझ ले, समझ ले। वैसे ऐसा कंसेप्ट वो नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि एक तरह से कंपनी का स्टेटस माइनर। तो कंपनी ने पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करना है और बाद में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कौन देगा? वो भी रजिस्ट्रार देगा। भाई ये सर्टिफिकेट, फर्क समझ आ गया दोनों में? आगे, टू रिसीव वेरियस नोटिसेस और डॉक्यूमेंट्स। कंपनी ने, आप जैसे जैसे लॉ आगे चलेगा ना, आप पढ़ेंगे कि कंपनी ने कुछ नोटिसेस भिजवाने होते हैं, जैसे जब कभी कोई शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो उसका नोटिस भिजवाना है, जब कभी साल खत्म होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रजिस्ट्रार को भिजवानी है, और कुछ दूसरे नोटिसेज हैं। तो रूटीन नेचर के जो रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट है, एनुअल रिटर्न है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कंपनी ने जहां पे अपने शेयर होल्डर्स को इशू करनी है ना, साथ ही साथ एक एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी इशू करनी है। यही वो बता रहा है, टू रिसीव वेरियस नोटिसेज आर डग, के रजिस्ट्रार ने कंपनी से बहुत से नोटिस वसूल करने होते हैं। आगे उनकी एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में से दो तीन एग्जाम्पल भी याद रह जाए बहुत है। फाइनेंशियल स्टेट, इसका मतलब है जब कभी कंपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एक काफी रजिस्ट्रार को भी इशू करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन, ये नहीं हमें पता क्या होती है, नहीं ना पता हमें स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, ये डिसीजन को कहते हैं। कंपनी के अंदर जब कभी बड़े बड़े डिसीजन होंगे उन डिसीजन की एक कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? बड़ा डिसीजन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? छोटा डिसीजन। जब तक उनको लीगली पढ़ नहीं लेते तब तक छोटा बड़ा है, लेकिन असल में ये डेफिनेशन नहीं है। फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करना है लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो वो एक कॉपी रजिस्ट्रार को देनी है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑडिटर, बड़े बड़े अफसर जब अपॉइंट किए जाते हैं तो रजिस्ट्रार को भी नोटिस दिया जाता है। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं। मेन कंसेप्ट क्या है कि कंपनी रूटीन में बहुत से नोटिसेज रजिस्ट्रार को इश्यू करती है। डन जी, फिर आगे चलते हैं।
टू एक्सटेंड टाइम टू होल्ड एजीएम फॉर कंपनीज, टू एक्सटेंड टाइम एजीएम क्या? अच्छा, एक होते हैं डायरेक्टर्स, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग, और शेयर होल्डर की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग की तीन टाइप्स हैं। जनरल मीटिंग की स्टेचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं? जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग को। इसके तीन टाइप्स, ठीक। तो कह रहे हैं, और इनका टाइम लॉ ने बताया हुआ है, स्टेचुटरी मीटिंग कंडक्ट होगी इस टाइम फ्रेम के अंदर, एजीएम कंडक्ट होगी इस टाइम फ्रेम के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी इस टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बता, अगर उसको एक्सटेंड करना हो, सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सी मीटिंग कंडक्ट होती है सबसे ज्यादा? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। तो अगर इसका टाइम एक्सटेंड करना हो, किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार से। एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है ना? आप कोई रीजन बता सकते हैं? आप एक कंपनी के सीएफओ हैं, आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ गई, रजिस्ट्रार को क्या रीजन बताएंगे? बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी नहीं बनी सर, ऑडिटर ने अभी रिपोर्ट नहीं सी, काम पूरा नहीं किया, अभी बन रही है, कोरोना आ गया, लाइट्स का ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, इस तरह के इश्यूज की बेस पे आपको रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे देता है कि चलो अभी मीटिंग नहीं करवानी, महीने बाद करवा लो, 30 दिन का टाइम दिया जाओ। तो ये कौन टाइम देगा? अच्छा, आगे एक चीज लिखी हुई है, अदर देन लिस्टेड, यानी रजिस्ट्रार अनलिस्टेड कंपनीज को एजीएम का टाइम एक्सटेंड करेगा, लिस्टेड का नहीं। लिस्टेड का क्यों नहीं? शाबाश, वो कमीशन करेगा। तो आपने नोट करना है कि क्या कमीशन की पावर्स में ये चीज शामिल है? ये चीज शामिल। आगे चलते हैं, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। एक होता है लोन बोरोइंग, एक होता है मॉर्गेज या चार्ज, सिक्योरिटी। शाबाश, इसे सिक्योरिटी का। तो नॉर्मली आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कुछ लोन होते हैं सिक्योर्ड, कुछ अनसिक्योर्ड। कुछ जैसे आपका दोस्त आपसे उधार मांगे तो आप उसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते, वो अनसिक्योर्ड है, इसी वजह से उसमें बैड डेट ज्यादा होता है। लेकिन बैंक के पास जाएं, बैंक लोन लेने से पहले सिक्योरिटी मांगेगा, इसीलिए उसमें बैड डेट कम। वो सिक्योरिटी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, आप अपना घर सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, अपने जो जो स्टॉक है, शेयर, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ना, मॉर्गेज एंड चार्जेस वगैरह, और एक और टाइप होती है प्लेज, ये आपने बैंक के पास तो रजिस्टर करवाना ही बैंक के पास तो लाजिम है, उसके बगैर तो बैंक 1 रुपया नहीं देगा। ये सिक्योरिटी, ये मॉर्गेज, ये चार्ज, ये प्लेज, ये क्या है? टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल सिंगल बाय के साथ, क्योंकि सिक्योरिटीज बोलेंगे तो वो शेयर और डिबेंचर हो जाते हैं। यह टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी है तीन, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। ये बैंक के पास रजिस्टर करवाना तो लाजमी ही लाजमी है, लेकिन रजिस्ट्रार कह रहा है कि मेरे पास भी रजिस्टर करवाओ, ये मॉर्गेज और चार्जेस क्या करो मेरे पास भी। और इसके बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है कि रजिस्ट्रार ने ये क्यों कहा कि मेरे पास भी आकर रजिस्टर करवाओ। वो रीजन ये है, रीजन ये है कि बाज़ुकात कुछ कंपनीज क्या करती थी, एक बैंक से लोन लिया और उनको अपने घर के कागजात जमा करवा दिए, फिर उसके बाद डुप्लीकेट कागजात निकलवा के दूसरे बैंक के पास भी वही लोन ले लिया रखवा के। तो चूंकि बाज़ुकात दूसरे बैंक को पहले बैंक का पता नहीं होता था, तो अब चूंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, तो रजिस्ट्रार कहेगा भाई ये तो पहले तुम इसके अगेंस्ट लोन ले चुके, दोबारा क्यों आ गए हो? उस बैंक को फौरी खबरदार कर देगा। तो मॉर्गेज, चार्ज वगैरह यानी सिक्योरिटी है, अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हो ना तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रार को भी तला देनी होती है। तो ये किसको भेजना है रिकॉर्ड? रजिस्ट्रार को। शाबाश। फिर टू कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन। वो अपने ऑफिस में अगर किसी को बुलाना चाहे, हाँ अभी आके एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन, ये तुमने जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया ये क्यों दिया? लॉ तो मना करता है, तुमने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी है ना जो उसमें पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन की है, क्यों की है? लॉ मना करता है, कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या रजिस्ट्रार कर सकता है उसको, उसको बुला सकता है अपने ऑफिस में? ये पावर है। और अगर खुद जाना चाहे वो अगली पावर है, भी जा सकता है। टू इंस्पेक्ट, टू कॉल में और टू इंस्पेक्ट में फर्क समझ आ रहा है? टू कॉल उसको अपने ऑफिस में बुलाना, टू इंस्पेक्ट खुद जाके उसके ऑफिस में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करना कि बुक्स एंड रिकॉर्ड सही मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग। लेकिन इसके लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होती है, छापा, ये बेसिकली होता है छापा, आम जुबान में इसको कहते हैं छापा, जो आखिरी पावर है ना।
छापा मारने के लिए रजिस्ट्रार को कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये थे रजिस्ट्रार, एक दफा इनको रीड कर लें और देखें कि आपको हर पावर की समझ आ रही है कि है क्या। ये याद नहीं करना, मजे की बात, इन पावर को याद करना ही नहीं है, ये सिर्फ समझना है, समझना है। कोई दो चार याद हो भी जाए तो हर्ज कोई नहीं है, जबरदस्ती नहीं जेन से निकालनी है कि याद करनी नहीं, हो जाए तो हर्ज कोई नहीं। क्या ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आएगा? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं आएगा, वरना मैं आपको कहता याद कर लो, नहीं आएगा। तो फिर अगला सवाल फिर क्यों पढ़ा रहे हैं सर, मैं टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? हाँ जी, आगे यहाँ पे कंसेप्ट छोटे छोटे बन जाएंगे ना, आगे चल के उनको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। अब आपको पूरा पता चल गया कि हम सीला में ये कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आगे, रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर जी? अब है जी बारी बॉस की। कौन आया आप? कमीशन। कमीशन के पास, अच्छा पहले तो आपको कह रहा है कमीशन के साथ आपकी हेलो है करवा दी जाए। कह रहा है कमीशन मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पता क्यों लिखा? कहता है कभी कभी चलते चलते मैं सिर्फ लिखूंगा कमीशन शैल डू दिस, तो उससे मुराद आपने कौन सा कमीशन समझना है। कमीशन तो पाकिस्तान में बहुत से होंगे, तो कहता है कंपनी लॉ में एक ही कमीशन है, कौन सा? SACP। तो कमीशन बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है इसके ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस कमीशन का इस्लामाबाद में है, और 8 रीजनल ऑफिस हैं। रीजनल ऑफिस पता है कंपनी रजिस्ट्रेशन, जहां पे रजिस्ट्रार बैठा होता है, जहां पे ये कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस कितने हैं? 1 इस्लामाबाद में ही है, 4 ईच प्रोविंशियल कैपिटल। प्रोविंशियल कैपिटल कौन कौन से हैं? पंजाब का है लाहौर, सिंध का है कराची, केपीके का पिशावर, बलोचिस्तान का क्वेटा। इसका मतलब है इन 4 शहरों में, देखिए हर प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने बना दिया, और फिर 1 ईच इन मुल्तान, फैसलाबाद एंड सखर। ये मुल्तान, फैसलाबाद, सखर में क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा इंडस्ट्री इधर है पाकिस्तान। तो उन्होंने देखे 8 पूरे होते हैं, 8 रीजनल ऑफिस, 1 हेड ऑफिस। क्लियर? फंक्शन सुन ले, SACP हर कंपनी को रेगुलेट करेगा, सारे बैंक्स को भी रेगुलेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज को भी रेगुलेट करेगा। असल में पहले ये बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज होते थे ना, ये दो कैटेगरी, ये पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर होते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं जरा थोड़ा रिस्ट्रक्चर कर लूं अपने काम, तो आप कमीशन को कहा कि कुछ पावर्स आपको दी जाती है, आप भी इनको रेगुलेट करो। अब इनको बैंक को स्टेट बैंक भी करता है, लेकिन कुछ मैटर्स को SACP भी रेगुलेट करता है। पहले सिर्फ ये होता था, अब ये बहरहाल SACP किन किन टाइप ऑफ कंपनी को रेगुलेट करेगा? ऑल कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी एंड मुदारबा कंपनीज। हरगिज सोचने की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है, मुदारबा कौन सी होती है, और ये बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सिर्फ याद करना है, जो चीज रटे वाली है सिर्फ रटे वाली, जिसके ऊपर केसड़ी पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर सोचना है, ठीक है? हर चीज पे नहीं सोचना, कुछ पे सोचना है, कुछ पे नहीं सोचना है। जिंदगी में एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें कहा, उसने कहा जिंदगी डेली बेसिस पे हम सैकड़ों फैसले करते हैं, आपने हर फैसले के ऊपर ज्यादा नहीं सोचना, कुछ के ऊपर सोचना है, कुछ के ऊपर। बड़े बड़े फैसले गलत नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे फैसले गलत हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। उसकी रीजन आगे क्या होता है? कहता है अगर हर फैसले पे सोचना शुरू कर देंगे ना, तो अगर छोटे फैसलों पे सोचेंगे तो बड़े फैसलों पे सोचने के लिए टाइम कम मिलेगा आपके पास। तो अगर हम हर कंसेप्ट के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे, देखें यही स्टूडेंट और टीचर में फर्क है। अगर स्टूडेंट हो उसको नहीं पता कि किस लफ्ज के ऊपर मैंने सोचना, किसके ऊपर नहीं सोचना, किसके ऊपर आई कैप किस तरीके से दाव पेच खेलता है, तो आप हर लफ्ज को इक्वली टाइम दे रहे होंगे। हालांकि इसमें नुकसान क्या है, अगर आप रटे वाले के ऊपर भी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो फिर केस स्टडी के ऊपर जितना सोचना है टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे है ना। तो इसीलिए जिस जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं कह दूं ना कि इसका रटा लगाना है, उसका सिर्फ रटा लगाना है आपने। जिसके ऊपर कह दूं कि केस स्टडी के लिए अहम है, उसके ऊपर खूब सोचे कि अच्छा ऐसे आ गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो क्या होगा, ठीक है? ऐसे वैसे करके किस पे सोचते, जिसमें मैं कहूंगा केस स्टडी वाला, ये रटे वाला है, इसको छोड़। हाँ, ये पावर्स एंड ड्यूटीज, ये केस स्टडी वाली है, ये ऊपर भी पावर्स एंड ड्यूटीज जो थी ना वो केस स्टडी वाली थी, ठीक है? सिर्फ लास्ट वाली जो रजिस्ट्रार की दो है ना, वो केस स्टडी वाली नहीं है, बाकी केस। बहरहाल तो आपने पावर्स एंड ड्यूटीज आ गया, अब किसकी? कमीशन हैज पावर टू रजिस्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। उधर क्या था? मैम, यानी रजिस्ट्रार हर कंपनी को रजिस्टर करेगा,
लेकिन अगर आप एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं जिसे कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसके लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसकी छोटी सी रीजन जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जैसा कि आपने अकाउंटिंग में कहीं पढ़ा कि कुछ कंपनीज होती है जो जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं, सोशल वेलफेयर हो गया काम, हाँ इनको ना कुछ फायदे भी होते हैं, ऐसे नहीं नॉट फॉर प्रॉफिट बना लेते लोग। एक तो स्वाब तो मिलता ही मिलता है, प्लस इनको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। आप में से जिन स्टूडेंट ने टैक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। तो एक में सोशल नॉट, अब देखिए अगर इसको रजिस्ट्रार के पास ही अथॉरिटी दे दी जाती, रजिस्ट्रार तो पैसे लेके हर अरे गरे को सर्टिफिकेट बांटता रहता, तो उन्होंने कहा नहीं आम कंपनी है एज रजिस्ट्रार तू रजिस्टर कर दे, लेकिन अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो रजिस्टर तुम ही करोगे, इजाजत हमारी होगी, हमारी इजाजत के बगैर उसे तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की रजिस्ट्रेशन में कमीशन की अप्रूवल जरूरी है। इसको आप रजिस्टर भी कह सकते हैं टू अप्रूव भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी अल्फाज में इतना फर्क आपके सामने नहीं रखना चाहता। ठीक है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, किधर जाना है आम कंपनी है, किधर जाना है आगे, टू अलाउ सर्टेन वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन नेम ऑफ कंपनी, टू अलाउ सर्टेन वर्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन नेम ऑफ कंपनी। ठीक है कि अब देखिए नाम किसने रिजर्व करना था, उसी ने करना था, चेंज भी उसी ने करना है, लेकिन कुछ खास नाम हैं अगर वो आपने कंपनी के नाम में रखने हैं तो आपको कमीशन की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कर्नल चावल बड़ा चलता है ना, कर्नल चावल बड़ा, इसे हम बड़ा मुतासिर हुए, हमने कहा अब हम चीनी बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आर्मी शुगर लिमिटेड, चीनी बनाने वाली कंपनी का नाम आर्मी शुगर, भाई कर्नल चावल भी तो होता है तो चीनी में आर्मी नहीं आ सकते। मुझे बताइए क्या इसकी इजाजत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी। अच्छा चले उस कमीशन ने कहा नहीं नाम चेंज करो, मैंने कहा अच्छा आर्मी नहीं, ऐसा करें फौजी शुगर लिमिटेड, आर्मी नहीं फौजी, क्या इसकी इजाजत मिलनी चाहिए, कंसेप्ट पिक करें क्यों नहीं इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एसोसिएशन शो कर रही है गवर्नमेंट के एक इदारे के साथ, गवर्नमेंट के एक इदारे के साथ तो नहीं। अच्छा मैंने आपको लफ्ज बताया था रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट का, ये जो नाम है ना ये रिस्ट्रिक्ट है प्रोहिबिट नहीं है, यानी फर्ज कीजिए आर्मी भी अगर कि भाई आर्मी के भी तो कुछ बिजनेस हैं कंपनीज हैं बहुत सारे, नहीं 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 चले या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो एसोसिएशन विद आर्मी शो कर, जैसे अस्करी बैंक है, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी सीमेंट, ठीक है। तो अगर फर्ज कीजिए आर्मी, फर्ज कीजिए आर्मी ये चाहती है कि बिजनेस शुरू करना है तो उन्होंने कहा जी हमें ये नाम दीजिए आर्मी, तो कमीशन क्या उनको ये कहेगा कि नहीं नहीं दिया जा सकता, उनको इजाजत मिल जाएगी। इसलिए याद रखिए मेन कंसेप्ट जो आपने पिक करना है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अगर नाम का हिस्सा बनाना है ना तो कुछ लोगों को इजाजत मिलेगी कुछ को इजाजत नहीं मिलेगी। कमीशन ये देखेगा कि मैंने किसको इजाजत देनी है किसको नहीं देनी, जो जेन्युइन केस होगा उसको इजाजत मिलेगी वरना उसको इजाजत नहीं मिलेगी। आगे चल के हम इसकी फर्दर एग्जाम्पल पढ़े, एक और एग्जाम्पल है वो ये कि किसी भी मुल्क का जो सरबराह होता है, जैसे पाकिस्तान का सरबराह कौन है, शहबाज शरीफ साहब, चले एक एग्जाम्पल शहबाज शरीफ साहब की ले लेते हैं और एक आरिफ अलवी साहब। अगर हम कहें जी आरिफ अलवी केमिकल्स लिमिटेड, तो ये एसोसिएशन शो कर रही है कि नहीं प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है, या शहबाज शरीफ स्टील कंपनी लिमिटेड, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एसोसिएशन शो कर रही है कि नहीं। तो कोई भी ऐसा नाम आम बंदा रख सकता है, नहीं, लेकिन अगर यही लोग रखना चाहें तो ये कौन डिसाइड करेगा कि केस जेन्युइन है कि नहीं, कमीशन। सर्टन वर्ड वाली बात समझ आ गई। अच्छा ये सारे कंसेप्ट घर जाके ना आपने बार बार पढ़ने हैं बहुत है। अगर ये आपने रिवाइज कर लिया ना चार पांच दफा आपका कंपनी लाइन चला आसान हो जाएगा। टू कंफर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, अच्छा मेमोरेंडम में मैंने आपको बताया था कुछ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में भी होती है और कुछ आर्टिकल्स में, और एक हिंट आपको दिया था दोनों में फर्क का, मेमोरेंडम में छोटी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि ज्यादा थोड़ी, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था बेसिक इन्फॉर्मेशन, और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, ये किस जगह पे आएगी, मेमोरेंडम में, ठीक है। तो अगर इनको चेंज करना हो तो किया जा सकता है, तो किसके पास जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास। लेकिन अगर बाकी वो कहता है मेमोरेंडम में बाकी की चीजें चेंज करनी है करो, कोई हर्ज नहीं है, बाकी की चीजें चेंज करनी है करो, रजिस्ट्रार के पास रह जाओ,
लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी है ना, तो फिर कमीशन के पास आओ। बाकी की क्लासेस चेंज करनी है, रजिस्ट्रार के पास जाओ। क्लास कहते हैं इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड होती है उसमें, मेमोरेंडम में। प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना है। हाँ, ये लिस्टेड कंपनीज का लिस्टेड प्रोस्पेक्टस। तो किससे अप्रूव करवाना है, ताकि कमीशन देख ले प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं। प्रोस्पेक्टस इशू किस किस पर्पस के लिए किया जाता है? हाँ, जनरल पब्लिक से शेयर हासिल करने के लिए, ठीक है। इनविटेशन, इनविटेशन होते हैं, प्रोस्पेक्टस है इनविटेशन। अच्छा, प्रोस्पेक्टस आपने रजिस्ट्रार में भी पढ़ा था, याद है? वो क्या था भला? नहीं, कंसेप्ट सुन ले। प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कमीशन से अप्रूवल लेनी है, ये है प्रोस्पेक्ट। कोई बात नहीं। प्रोस्पेक्टस क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है? प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कमीशन से अप्रूवल लेनी है। रजिस्ट्रार वाले में क्या लिखा हुआ था कि जब प्रोस्पेक्टस इशू करो ना, तो जहां बाकी दुनिया को इशू करो, एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी सेंड करो। दोनों कंसर्न में फर्क समझ है? यहां पे प्रायर अप्रूवल ली जा रही है, वहां पे सब्सिक्वेंट इशू किया जा रहा है। ये प्रोस्पेक्टस हमेशा लिस्टेड कंपनी ही इशू करती है। प्रोस्पेक्टस हमेशा, वो आपने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर ही नहीं सकती सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये जनरल पब्लिक से पैसे कौन उठा सकती है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक में भी लिस्टेड स्टॉक। फिर कह रहा है, ये अगला तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। टू एक्सटेंड टाइम टू होल्ड एजीएम फॉर लिस्टेड कंपनी, क्लियर? ऊपर भी तो पढ़ा था, वो अनलिस्टेड का था। टू अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। अच्छा, एक कंसेप्ट सुने, कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को लोन देना हो ना, आपको पता है प्रूफ कौन करता है? एम्प्लॉय को लोन देना हो, डायरेक्टर्स करते हैं। और अगर डायरेक्टर्स को ही लोन देना हो, तो फिर कौन अप्रूव करेगा? कमीशन। शाबाश। क्योंकि ये कमीशन क्यों आया दरमियान में? क्योंकि अगर डायरेक्टर्स को एक दूसरे को लोन देने की अथॉरिटी होती ना, वो सारा पैसा कंपनी का एक दूसरे को लोन में दे, पैसा शेयर होल्डर का होता और एक दूसरे को, और ये देते भी, इस तरह करते हैं डायरेक्टर्स, करते हैं डायरेक्टर। तो ये एक कंपनी का, हम चेकिंग करने के लिए गए तो पता चला एक डायरेक्टर ने अपने बच्चों के स्कूल करवाते भी तो एडमिट, वो छोटे मोटे स्कूल में नहीं है, फिर उसके स्कूल की फीस कंपनी के अकाउंट से जा रही थी। ये कैसा होना चाहिए? अच्छा, एक डायरेक्टर ने कंपनी के नाम से गाड़ी निकलवाई, उसका खर्चा पानी मेंटेन्ड बाय कंपनी थी, इस्तेमाल वो अपने जाति पर्पज के लिए करता था। तो ये इस तरह के काम डायरेक्टर सारे नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए उसने कहा अगर डायरेक्टर्स को लोन देना है, कमीशन की अप्रूवल आएगी तो लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर टू कॉल जन, अच्छा इसमें केस स्टडी मुझे याद आ गई। उसने कहा, इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब एकदम मैं भी सोच में पड़ गया इसका जवाब क्या था। उसने कहा एक सीएफओ है, उसको कंपनी का डायरेक्टर बना रहे हैं प्रमोट करके। उसने जब वो सीएफओ था ना, उस वक्त लोन लिया था और अभी तक पे नहीं किया, क्या उसे डायरेक्टर बना सकते हैं? क्या कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी? यहां पे आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो क्लियरली नहीं लिखा होगा उसमें इस केस में क्या होगा, लेकिन अगर आप लॉ को समझते हैं ना, समझते हैं ट्रू सेंस में, तो आप गैस कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अप्रूवल लेनी चाहिए। बिल्कुल यही आंसर था। अपॉइंटमेंट से पहले उसकी अप्रूवल, या तो वो लोन, उसे दो ऑप्शन सबमिशन में दी थी। पहली ऑप्शन रीपे कर दे लोन, फिर डायरेक्टर, दूसरी ऑप्शन अप्रूवल दो। हालांकि अपॉइंटमेंट से पहले है लोन, लेकिन चूंकि अब डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो रहा है और उसे लोन लिया हुआ है, तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब हो सकता है अपनी पोजीशन का मिस यूज करके वो एक्सटेंड कर ले या टर्म एंड कंडीशन में चेंज कर ले। आगे चलते हैं। टू कॉल, भाई ये लोन वाली बात समझ आ गई। टू कॉल जनरल मीटिंग इफ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट टू होल्ड देम। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शाबाश, एंड वाले स्टूडेंट मुझे बताइए, इनको लो जरा। जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? शेयर होल्ड। शाबाश। और ये भाई मुझे बताएंगे जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ जी। अच्छा और सुन ले, और मैंने आपको ये बताया था लॉ ने हर मीटिंग के कंडक्ट होने का टाइम बताया। अच्छा आप सुने, एक है कंपनी शरीफ, एक कंपनी समझ लीजिए बदमाश। शरीफ कंपनी क्या है, उसे याद ही नहीं रहा टाइम पीरियड, या किसी और वजह से
वो उस टाइम पीरियड में मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सके, उन्होंने अब एक्सटेंशन लेनी है, उन्होंने अब एक्सटेंशन लेनी है। एक केस ही है, इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है, लिस्टेड है तो फिर हाँ, लिस्ट अनलिस्टेड है तो लिस्टेड है तो कमीशन। अच्छा, एक और कंपनी है वो थोड़ी जरा, वो कहते हैं हमने मीटिंग करवानी ही नहीं। शेयर होल्डर्स ने कहा, शेयर होल्डर, अब इसकी एग्जाम्पल केस स्टडी में से उठा के एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। शेयर होल्डर्स ने कहा एक डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है और हमारी अगली एनुअल जनरल मीटिंग है 6 महीने के बाद, क्या हम उस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए शेयर होल्डर्स 6 महीने का इंतजार करें और 6 महीने बाद आके उसकी जगह पे नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, कि इमीडिएटली मीटिंग होनी चाहिए इमरजेंसी में? इसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उन्होंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम कंडक्ट करवाएंगे। डायरेक्टर ने कहा अच्छा, हमें रिमूव करवाने के लिए मीटिंग कंडक्ट करवाओगे, हम ये मीटिंग होने ही नहीं देंगे। डायरेक्टर्स ने कोई नोटिस नहीं, कोई कंपनी के अंदर जगह, उन्होंने कहा खबरदार कोई जगह भी नहीं मिलेगी। क्या इस सिचुएशन में कोई रास्ता है? बिल्कुल, इस सिचुएशन में शेयर होल्डर्स क्या, हाँ जी, कमीशन के थ्रू, खुद भी उनके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन वो कमीशन को भी कह सकते हैं कि सर जी देखें ये कंपनी मीटिंग नहीं कंडक्ट करवा रही। कमीशन कहेगा अच्छा, कमीशन कहेगा शेयर होल्डर्स को बेफिक्र हो, तुम्हारा भी कंट्रोल है डायरेक्टर्स के ऊपर, तुम भी रेगुलेटर, हम भी रेगुलेटर है, हम भी रेगुलेटर है, तो हम इनको सीधा कर देते हैं। कमीशन फिर ऑर्डर करेगा क्या कि जनरल मीटिंग हो, ठीक है, और फिर ये तो अंडरस्टूड है, रजिस्ट्रार के किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी हो किधर जाए? कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करनी हो तो उसके पास, और फिर कोर्ट भी आ गया। हमारे पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ ये दो तीन पूरे कंपनी लॉ में चार जगहों के ऊपर कोर्ट इन्वॉल्व होता है, चार जगहों के ऊपर, उनमें से तीन चूंकि आखिरी बाइंडिंग अप पॉइंट में पड़ेंगे, ये तीन मिलती जुलती है इनकी प्रोविजन से, इसलिए इकट्ठे रखा। पावर्स टू डिक्लेयर फॉलोइंग एज वाइड, यानी इनमें इनमें से कोई चीज आपको लगे कंपनी में हुई है और उसमें धांधली हुई है, क्या हुई है? जैसे डायरेक्टर्स का इलेक्शन, इलेक्शन के डायरेक्टर्स में आपको लगे धांधली हुई है, जनरल मीटिंग में आपको लगे कोई धांधली हुई है, शेयर होल्डर के राइट्स को गैर जरूरी तरीके से चेंज किया गया है, ये भी गलत हुआ ना। अगर आपको लगे इन तीनों में से कोई भी गलत काम हुआ है, आपने धरना नहीं देना बल्कि किधर जाना है? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर इनमें से कोई चीज या सारी की सारी चीजें गलत हुई हैं तो इन सबको नल एंड वॉइड कर दे और कहे दोबारा करो। क्या कहे? दोबारा करो। ये जनरल इलेक्शन भी कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है और दोबारा करने का ऑर्डर देती है कि नहीं देती? चले बारह उसका नहीं पता, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर हम, अगर हमें लगे इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, हमें लगे मीटिंग ठीक कंडक्ट नहीं हुई, हमें लगे शेयर होल्डर के राइट्स जो है ना उनको वेरी किया गया है गलत तरीके से, तो किसके पास जाएं? और ये भाई मुझे बताएंगे शेयर होल्डर के राइट्स होते कौन कौन से? राइट टू रिसीव डिविडेंड, अटेंड एजीएम, बट ठीक है चलिए आज यहां पे। अच्छा देखें, हालांकि कंसेप्ट आधा हुआ है लेकिन ये भी बहुत है, आपने घर जाके इसको रीड लाजमी करना है बार बार, ये हमारे पूरे लॉ में ये पावर्स आगे यूज होंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।